दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और 3 दिन में 40 कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आ चुके हैं। रविवार को 11 व सोमवार को 22 पॉजिटिव मामलों के बाद मंगलवार को भी 7 लोग संक्रमित पाए गए। गौर रहे कि प्रशासन द्वारा राजगढ़ के सभी कारोबारियों के टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य किया गया है और 3 दिन में 363 कारोबारियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा चुके हैं। मंगलवार को 78 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जबकि 51 लोगों के RT-PCR सैंपल मेडिकल कॉलेज नाहन भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट बुधवार को आएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन वल्याट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।